आज बहुत दिन बाद हम लोग चार धाम की यात्रा पर निकल रहे हैं। आप लोगों को पहले भी अयोध्या, काशी, वाराणसी ये सारा चीज़ जो भी था वो हमने टूर करवाया और संग में मैं भी टूर किया, तो वैसे ही आज हम लोग निकल रहे हैं चार धाम की यात्रा में। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ बद्रीनाथ, ये चारों हम लोग घूमने जाएंगे। पापा को लेकर एक्चुअली जाना है और बहुत ठंडा है इस कारण से, उधर बहुत ज़्यादा ठंडा है, इधर देख रहे होगे आप कि पूरा पसीने से भीग गए हैं। वैसे भी अभी थोड़ा सा पुशअप्स वगैरह कर रहे थे क्योंकि मेरा पैर जब से टूटा है तब से एक्सरसाइज तो बंद ही हो गया है एक तरह से, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं ताकि परेशानी ना हो शरीर में, तो उसके लिए कर रहे हैं। और आज निकल रहे हैं तो अभी आपको दिखाएंगे पैकिंग वगैरह क्या है नहीं है। आज ट्रेन है, हमने टिकट कटवाया था लेकिन टिकट कन्फर्म नहीं हुआ था, RAC था, लेकिन कल अचानक ये आया कि आपका टिकट कंफर्म हो गया, तो बहुत अच्छा हुआ कि टिकट कंफर्म हो गया है, ऊपर का सीट मिला है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो चलिए पैकिंग देखते हैं क्या क्या हमको ले जाना जरूरी है। तो वैसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपने लेकर रेडी कर लिए हैं, फिर भी आपको हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पर पहले आप देख लो, ये ले लिए हैं, आपको पता ही होगा क्या है, ये हाथ वगैरह पोंछने के लिए थोड़ा सा ले लिए, कभी कभी कहीं कहीं पानी यूज़ नहीं करना है तो इसलिए। और ये दो पावर बैंक ले लिए हैं, शायद वहाँ पर ज़रूरत पड़ सकता है, सुनते हैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है, चार्जर है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ID कार्ड, आधार कार्ड मुझे रखना ही है क्योंकि वहाँ पर शायद ज़रूरत पड़ेगा। ये एक सेल्फी स्टिक कम आपका ट्राईपोर्ट का काम करेगा, पर्स आपको जो रखना है, और ये हेडफोन है रास्ते के लिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट था क्योंकि मैं वीडियो शूट करने वाला हूँ, तो इसलिए ये था। ये 60 GB का मेमोरी कार्ड है और ये आपका USB में कनेक्ट होगा मोबाइल के साथ में। ये विजिटिंग कार्ड रख लिए हैं कुछ, ये ज़रूरी है, अपना टिकट ज़रूर रख लें, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। और इधर आपका आ जाते हैं, सबसे पहले ये बैग में रखे हैं हम लोगों ने क्या रखा है, तो सत्तू रखा है। सत्तू क्या है भाई, समझो कि कहीं पर खाना नहीं मिला पापा को, तो वो वहाँ पर क्या करेंगे, उसको घोल कर पी सकते हैं, तो इसलिए वो ले लिया। और यहाँ पर कुछ मेडिसिन हैं जो सिर दर्द, उल्टी, और स्प्रे है, और बाम है, एक साबुन है, और इलेक्ट्रोल पाउडर है, ये सारा चीज है। हनी ले लिया गया है, पापा बोले जरूरी है उधर ले जाने के लिए क्योंकि उधर ठंडा है, इसलिए हनी ले लिए हैं। और ये ड्राई फ्रूट्स है, चौड़ा, किशमिश और आलमंड्स, शुगर फ्री बिस्किट, और ये थोड़ा सा मूड चेंज करने के लिए मिक्सचर्स वगैरह हैं। इसमें है पापा का गर्म कपड़े और जितने भी पापा के कपड़े हैं वो हैं, और एक जींस मेरा रखा हुआ है। इसमें रखा हुआ है पापा का पूजा का सामान, और इसमें है आयुर्वेदिक का कुछ दवाई, और इसमें पापा का दवाई। दवाई बहुत ज़रूरी है, मेडिसिन अपना खुद का ज़रूर रखें, नहीं तो बाद में परेशानी हो सकता है उस जगह पर। अब इसमें कुछ है गर्म कपड़े, चादर, दो तीन चादर डाल लिए हैं, पता नहीं वहाँ पर होटल में क्या होगा। ये गर्म पैंट है, जूता है, और इधर स्वेटर है, और ये हुआ इम्पॉर्टेंट चीज़, हो सकता है इमरजेंसी लाइट का ज़रूरत वहाँ पर पड़े, परफ्यूम, कैप, और ये नी कैप्स वगैरह क्योंकि मुझे चोट लगा हुआ है, तो ये सब ज़रूरी है। तो ये, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ब्रश करना, नहीं तो बदबू आएगा, तो इसलिए ये सारा चीज़ हमने पैक कर लिया। तो अब हम हो गए हैं रेडी जाने के लिए, गाड़ी वाला फ़ोन किए हैं तो गाड़ी वाला कोई नहीं, मेरा एक्चुअली स्टूडेंट है, वही मुझे ले जाएगा, हावड़ा स्टेशन छोड़ेगा, और हम लोग रेडी हो गए, निकल रहे हैं, अब मिलते हैं गाड़ी में, टाटा। तो अभी हम लोग का गाड़ी आ गया, ये शिवदत्त है, और अभी हम लोग चल रहे हैं चार धाम की यात्रा में। देखते हैं आगे जितना हो सकता है आपको दिखा सकते हैं, दिखा पाएंगे तो दिखा देंगे। हम लोग आ गए हैं हावड़ा स्टेशन, हावड़ा स्टेशन में 11 नंबर प्लेटफॉर्म में आने वाला ये पापा हैं, और ये चारों तरफ हावड़ा स्टेशन। तो मिलते हैं ट्रेन में क्योंकि बहुत बैग भारी है और चलने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ट्रेन में मिलते हैं। अभी हम लोग ट्रेन में आ गए और ट्रेन पर चढ़ चुके हैं, पापा सीट ये ऊपर और एक यहाँ पर है ये वाला।
हम लोग आ गए हैं मुरादाबाद स्टेशन और ये दूसरा दिन है हमारा। मुरादाबाद स्टेशन पर हम लोग आ गए हैं और ये हमारी ट्रेन जो है मुरादाबाद स्टेशन से अब चल पड़ी और मुरादाबाद को टाटा करते हुए अब हम लोग पहुंचने वाले हैं हरिद्वार कुछ ही पल में, कुछ ही देर में। अभी लगभग शाम के 5 बजे के आसपास हम लोग पहुंचे हैं, 1 घंटा के आसपास शायद लेट था और हम लोग अभी आ गए हैं हरिद्वार स्टेशन। ये चारों तरफ हरिद्वार का सुंदरता देखते हुए जब भी हम लोग आते हैं ना यहाँ पर हरिद्वार में या कहीं भी कुछ भी जगह पर, तो ज़्यादातर देखिएगा कुछ अच्छा चीज़ करने आइएगा ना, लोगों को झगड़ा होना ज़रूरी है। अभी हम लोग मतलब सुबह 4 बजे से कुछ गैंग थे, मतलब कुछ लोग बैठे हुए थे हमारे साथ में और वो एकदम म्यूज़िक बजाए जा रहे हैं और चिल्लाए जा रहे हैं, साथ में गाना गाए जा रहे हैं। अब हमने कंप्लेन कर दिया, ट्वीट किया रेलवे को, जैसे ही किया बस 2 मिनट हुआ, 2 मिनट के अंदर ही पुलिस आ गया, उन लोगों को डांट लगाया और दोबारा बोला कि अगर ज़्यादा बदमाशी करोगे तो लखनऊ में उठा कर लेके चले जाएंगे। ये होने के साथ साथ जो अड़ोस पड़ोस वाले थे उनको गुस्सा आ गया, उनको तकलीफ़ हो गया कि भाई हमारे मतलब साथी के लिए क्यों परेशानी हो गया ऐसा। तो अगर वो गलती करेंगे तो उनको परेशानी नहीं होगा, तो इस वजह से वो लोग मुझे नाराज़ हो गए निकलने वक्त झगड़ा करने के लिए। हम बोले भाई झगड़ा मत कर, तुझे निकलना है तू ही आगे निकल जा, मैं नहीं निकलूँगा। तो अच्छे से शूट भी नहीं कर पाए ना ट्रेन से निकलने वक्त ना और कुछ, बस जल्दी से बाहर निकल गए। तो कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं, होटल खोजते हैं पहले, होटल मिलता है कि नहीं। ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए वो भी देख लेते हैं। ये ठीक ही है भैया, एक रात तो रुकना है। अब होटल का है जो अगर आप हरिद्वार से आते हैं, हमने पूछा तो वो भैया बता रहे थे कि होटल भी आपको आराम से मिल जाता है। और सबसे ज़्यादा जो डर लग रहा था, मैंने जो बात किया लोगों से, मैं सोच रहा था कि क्या करें, हम लोगों को क्या डर लगता है कि क्या वहाँ पर बस मिलेगा जो हमको चारधाम की यात्रा करवा पाएगा या सिंगल भी हम कर पाएंगे कि नहीं। तो वो डर आपको ख़त्म हो गया क्योंकि अभी यहाँ से पता चला कि आप आराम से कर सकते हो, बस मिलता है जो कि आपको चारधाम का यात्रा सिर्फ बस वगैरह, जो अगर सिर्फ आप होटल वगैरह लेकर आप करना चाहोगे तो भी, और अगर आप नहीं लेकर चलना चाहते हो, लगता है कि आपको होटल का पैसा अलग से खुद से आप बुक करोगे तो भी कर सकते हो, तो वो आप आराम से कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। गाड़ी भी हमने बात किया था, ट्रैवलर लोग 6,000 रुपये करके चार्ज कर रहे थे बिना होटल का, तो और अभी हम लोगों ने बात जो किया है वो 19,000 रुपये पर हेड ले रहे हैं, हो सकता है ज़्यादा भी हो लेकिन नए जगह है तो इसलिए हम लोगों ने पहले से ही बुक कर लिया है। कहते हैं कि अगर चार धाम की यात्रा करना हो तो हरिद्वार से ही स्टार्ट करना है, हरिद्वार में ख़त्म करना है। तो हरिद्वार में हम लोग को स्नान करने के लिए हम लोग पहले ही दिन आ गए थे, तो होटल से निकले और पहले होटल बुक किए, होटल से निकले और अभी हम लोग आ गए हैं हरिद्वार की हर की पौड़ी में। और सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये होता है कि जो टोटो वाला आपको लेकर जाएगा ना, बोलता है कि आपको हर की पौड़ी ले जा रहे हैं लेकिन हर की पौड़ी ले जाता नहीं है, मेन जो घाट है वो नहीं ले जाता है, कहीं भी कोई भी घाट पर उतार दिया। जैसे ये था गौ घाट था, वहाँ पर हम लोगों को उतार दिया और बोला यही हर की पौड़ी है। हम लोग फिर भी ठीक है, हम लोगों को गंगा नहाना था और जिस वक्त हम लोग आए बहुत भीड़ था लोगों का, बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। तो शाम को हम लोग आए, पापा स्नान किए यहाँ पर, गंगा स्नान किए और उसके बाद फिर हम भी यहाँ पर आकर गंगा स्नान किए। गंगा स्नान करके उसके बाद सुनते हैं यहाँ पर हम लोग चार धाम की यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों का 2 दिन हो गया, एक दिन तो पहला दिन हो गया और फिर मतलब जिस वक्त आए थे शाम को उस वक्त हो गया और उसके बाद फिर दूसरा दिन भी यहाँ पर हो गया, मेरा भी स्नान हो गया और पापा का भी स्नान हो गया। स्नान तो हो गया लेकिन हम लोग जब नहा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बर्फ़ की पानी से हम लोग नहा रहे थे यहाँ पर, इतना ज़्यादा ठंडा था। तो कोई बात नहीं, अब आए हैं थोड़ा कष्ट करना ही पड़ेगा। तो गंगा जी की आरती हुई, पूजा हुआ और फिर हम लोग वापस चले गए। पहले पैसे वैसे निकाल लिए और गंगा स्नान हो गया, मतलब सारा कुछ करने के बाद अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे का प्रोसेस क्या होता है वो आपके साथ शेयर करेंगे। कल हम लोग मिलने वाले हैं गाड़ी वाले से, वो कहाँ कहाँ ले जाएंगे आपके साथ हम लोग बातें करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टाटा।